ये बातें साबित करती हैं कि उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। मैं आपको संभालो निवेदिता, क्या हो गया तुम्हें? इस तरह चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा घर नीलाम होने वाला है निवेदिता, तुम्हें हर हाल में अपने घर को बचाना होगा। मैं अपना घर किसी को छीनने नहीं दे सकती, मुझे किसी भी कीमत पर सबसे बड़ी बोली लगाकर अपना घर वापस लेना है। पर मैं ये कैसे करूं? मेरे पास पैसे भी तो नहीं है, बैंक भी मुझे लोन देने से मना कर रही है। कौन, मैं किससे मदद मांगू? किससे मदद मांगू मैं? कौन मेरी हेल्प करेगा? कौन? तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी अंबिका। यस अंबिका, अंबिका। किसका फोन है? निवेदिता, ये इसको क्यों फोन कर रही है? हेलो हेलो अंबिका, मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ऑफ कोर्स डिस्टर्ब किया है निवेदिता, टाइम देख रही हो? इतनी गहरी नींद में सो रही थी मैं। खैर कहो, क्या अर्जेंट बात है जिसके लिए तुम कल सुबह तक का इंतजार नहीं कर पाए? रियली सॉरी अंबिका, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम्हें तो फोन करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त तुम मेरी बात समझ सकती हो? तुमने आज न्यूज पे देखा तो होगा ना कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? अच्छा वो हाँ, कौन देखा ना मैंने टीवी पर। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें फोन करने ही वाली थी, लेकिन पूरा दिन इतनी मीटिंग्स थी कि मैं फोन ही नहीं कर पाई। कैसे निवेदिता, मैं बहुत शॉक्ड हूँ तुम्हारे ऐसे बिहेवियर को देखकर। मतलब मुझे तुम बहुत समझदार लगती हो। मुझे लगा था कि ऐसी सिचुएशंस को तुम बहुत समझदारी से हैंडल करोगी, लेकिन तुमने तो वहाँ पर हंगामा ही कर दिया। I mean, मीडिया वालों के सामने तुमने जैसे बिहेव किया, that is really bad. अगर तुम ऐसा नहीं करती ना, तो शायद नीलामी का नोटिस तुम्हारे घर इतनी जल्दी नहीं आता और ना ही ये सब हो रहा होता। इतना हंगामा भी नहीं होता प्रेस वालों के सामने। ये सब कुछ तुम्हारा ही किया कराया है। आई होप यू नो नाउ कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आई नो आई एम स्टूपिड। बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। मैं अपना घर नीलाम नहीं होने दे सकती अंबिका। I have to save my house. और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है अंबिका, मेरे पास पैसे नहीं है। तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी अंबिका। कुछ भी करके 20 करोड़ रुपयों का इंतजाम करो। 20 करोड़? निवेदिता, हम ये लॉस्ट है। आई मीन इतनी बड़ी रकम अरेंज करना कोई छोटी मोटी बात है क्या? देखो मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इनफैक्ट लंदन में मैं ऑलरेडी कोशिश कर रही हूँ पैसे ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन इसमें मुझे वक्त लगेगा, एक दिन में नहीं होगा ये सब। देखो मेरा कोई ब्लैक मनी तो है नहीं कि मैंने यहाँ से उठाया और वहाँ तुम्हें दे दिया। अपने बिजनेस में से इतना बड़ा अमाउंट निकालने में वक्त लगता है, और ये सारे बैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, तुम्हें तो सब पता होना चाहिए। I understand, अंबिका, मैं ये सारी बातें समझती हूँ, बट अंबिका तुम्हें बताओ मेरे पास और क्या ऑप्शन है? अंबिका मुझे पैसे चाहिए। अंबिका I can't wait, अंबिका प्लीज। अंबिका मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, अगर मैंने पैसे जल्दी अरेंज नहीं किया अंबिका तो मैं बेघर हो जाऊंगी। रवि और उसके घर वाले बेघर हो जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे अंबिका? मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती निवेदिता कि तुम्हें इस तरह से गिड़गिड़ाते मदद की भीख मांगते हुए सुनकर मेरे दिल को कितनी ठंडक मिल रही है। यू नो व्हाट निवेदिता, मुझे तुम्हारे लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। अगर मेरे हाथ में होता ना तो तुम्हारी सारी टेंशन अभी इसी वक्त दूर कर देती। But I hope you understand. मैं भी मजबूर हूँ। लेकिन तुम हिम्मत मत हारना, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई सलूशन निकाल ही लेंगे। तब तक तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो और आराम से सो जाओ।
अभी भी एक दिन है हमारे पास। कोशिश करूंगी। प्लीज अंबिका, तुम मुझे निराश मत करना अंबिका, प्लीज। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुमने भी अगर वो मोड़ लिया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। Of course I understand. और इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि जब तक मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ ना, तुम्हें किसी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, मैं भी सोने जा रही हूँ। मिस निवेदिता लूथरा, आज तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मैं कितनी खुश हूँ। तुमने आज तक मुझे बहुत जख्म दिए और आज आज तुम्हारा कहा एक एक लफ्ज मेरे उन जख्मों का मरहम बना है। एक दिन मैं ऐसी हालात में खड़ी थी, मेरी ऐसी हालत थी, और उस दिन मेरे हालातों का मजाक उड़ाया था तुमने। प्लीज मुझे जानते मत मारिए, मैं शहर छोड़कर चली जाऊंगी, आप लोगों को कभी परेशान नहीं करूंगी, अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगी। मुझे उस पहाड़ी से धकेल दिया था और आज तुम मेरी जगह पे खड़ी हो। इनफैक्ट मेरे से भी गहरी खाई में खड़ी हो। और इस बार मेरी बारी है, इस बार मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें तड़पना होगा, अपनी किस्मत को कोसोगी तुम, लेकिन मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगी क्योंकि तुम इसी लायक हो। एक एक करके तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी मैं, क्योंकि वार करने की बारी अब मेरी है। अरे आप लोगों ने देखा आज के अखबार की गर्मा गर्म खबर, मिस निवेदिता लूथरा के पागलपन के चर्चे पूरे पहले पन्ने पर। देखो तुमने देखा, अरे हम सबकी फोटो भी छपी है। हम लोग अंबाले में क्या पूरे इंडिया में फेमस हो गए। ये तो बहुत बुरी खबर है। सब लोग ध्यान से सुनिए, कोई भी मिस लूथरा को इसके बारे में नहीं बताएगा, इस खबर के बारे में कोई भी नहीं बताएगा, ना इस घर के ऑक्शन के बारे में भी। ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा परेशान है, मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई। एनीवेज प्लीज याद रखना इस बात को। हाँ ठीक है, तू फिक्र मत कर पुत्र, कोई कुछ नहीं बताएगा। उसका पागलपन तो हद पार करेगा ही करेगा। अब भैया यही लिखा है उसकी किस्मत में, जो कर्म किए हैं तो भोगने तो पड़ेंगे ही ना। अब असली मजा आएगा निवेदिता से बदला लेने का। पहले साल में तो कैसे मीठी मीठी बातें करकर हम सबको यहाँ ले आए, और अब देखो जब भी देखो कड़वा बोलती है। बहुत नाच नचाया है ना तुमने, अब ये सही मौका है कि मैं मदारी बन जाऊं और तुम बंदरिया। वैसे तो बड़ा चिल्लाती हो ना, इस न्यूज की हेडलाइंस देखकर तो तुम तांडव करोगी, उछलोगी, पागल हो जाओगी। तुझे क्या श्वेता, चल लेते हैं असली मजा। गुड मॉर्निंग। अरे आप अकेले के लिए चाय पी रही है, नीचे ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आई? मैं भी कितनी पागल हूं ना, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है और मैं स्पेशल जाके न्यूज़पेपर लेके आई। लीजिए पढ़िए। थैंक यू, अब तुम जा सकती हो। हाँ व्हाट, जाओ और दरवाजा बंद करके जाना। ओके। चीको धमाका करो, फिर आएगा असली मजा।